है ना। दिल की बातें दिल वाले नजरों से ही पहचानते, लेकिन कुछ ऐसे हैं अनाड़ी जो ये भी न जानते। सवाल नहीं होता, इसलिए कृष्ण सिर्फ भारत में पैदा होगा। भारत में सवाल नहीं पूछा जाता। प्यार हो गया, कई बार तो पूरी जिंदगी बता ही नहीं पाते कि आपसे प्यार हो गया। अभी तो फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, कुछ काम करा देता है हल। लेकिन फिर भी याद रखो, अगर आप गहरे प्यार में डूबोगे, बहुत मुश्किल से तुम उसके लिए कोई लव्स खोज पाओगे, कोई वर्ड खोज पाओगे, कैसे तुम कहो। इसलिए कृष्ण अव्याख्यात सा है, प्यार है, व्याख्या नहीं है। कृष्ण को अच्छा कहोगे, फुदक के निकल जाएगा अगले मिनट। कृष्ण को बुरा कहोगे, फुदक के निकल जाएगा। कृष्ण को राजनीतिज्ञ कहोगे, तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। कृष्ण को नर्तक कहोगे, नहीं, वो लड़ता हुआ दिखाई देगा तुमको। कृष्ण तुम्हें किसी भी हिस्से से पकड़ में नहीं आएगा, हर बार निकल जाएगा, क्योंकि वो सच है, क्योंकि वो सनातन है। सच कभी पकड़ में नहीं आता है, हमेशा सच अपने को बदल लेता है। अभी का सच मैं अच्छा लग रहा हूं, कल का सच हो सकता है मैं तुम्हें नहीं अच्छा लगूं। मुझे तैयार होना होगा तुम्हारे दोनों सच के लिए, मुझे तैयार होना होगा। मुझे अरविंदो की एक 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 बात याद आती है कि अरविंदो घोष एक सभा में गए और वहां उनका बहुत स्वागत हुआ, बहुत स्वागत हुआ। कमरे में जाके थर-थर कांप रहे थे। पूछा उनके साथी ने, क्या हो गया आपको? बोले कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो इतना सम्मान मिला है, जब ये अपमान में बदलेगा तो मैं कैसे इसे देखूंगा। तो उन्होंने कहा, ऐसा होगा क्यों? तो अरविंदो ने कहा, क्योंकि मैं यही रहूंगा, भीड़ बदल जाएगी, मैं यही रहूंगा, समूह बदल जाएगा। समूह के साथ जो बदलता है वो एक घटिया सियासतदान हो सकता है। जो हर समूह में वही रहता है, हम उसको राम कहते हैं। राम कभी बदला नहीं। राम राज्य अभिप्सा है, यूटोपिया नहीं है, वो मनुष्यता का बहुत बड़ा स्वप्न है। मनुष्य जिस दिन अपने शिखर पर होगा वो कृष्ण बनेगा, और मनुष्यता जिस दिन शिखर पर होगी वो राम राज्य पैदा करेगी। ये काबिलियत है हमारी, ये हमारी खासियत है।